है पूरा सतपुड़ा का जंगल है और मंदिर धर्मदेव बनी थी तब के तो कहाँ जानबो। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ छरकी महल। छरकी महल की विशेषताएं बताता हूँ और आप लोगों को छरकी महल दिखाता हूँ। आप इधर देखेंगे तो आप लोगों को एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा छरकी महल का। तो छरकी महल इसका इसलिए पड़ा क्योंकि छेरी टाइप का इसका आता है, छेरी मतलब कि बकरी। तो इसलिए इसका छरकी महल पड़ा क्योंकि यहाँ पर जब कभी भी बारिश वगैरह जो भी होता था ना यहाँ, तो यहाँ के भेड़ बकरियाँ जो भी मतलब बकरियाँ यहाँ आकर आसपास पूरा मंदिर के आसपास बैठ जाती थी। इसलिए इस मंदिर का नाम जो है ना महल का नाम है छरकी महल पड़ा। तो चलिए आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ और वहाँ पर दिखाता हूँ कि छरकी महल किस तरीके से बनाया गया है और कैसा है। तो दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं ये है छरकी महल। मतलब पहले ज़माने में बताया जा रहा था कि कुछ लोग जो चरवाहा रहते हैं ना, छेरी वेरी छेरी बकरी चराते थे ना, वो मतलब इसकी निर्माता की बात करें तो छरकी महल की जो ये महल बनाया गया है ना, वो जो बकरी वकरी चराते थे तो दिन में मतलब बकरी चराने का काम करते थे, फिर रात रात को ये जो छरकी महल है ना इसको बनाने का काम करते थे। तो इसलिए छेरी चराने वाले ने इस मंदिर का निर्माण किए हैं तो इसलिए इसे छरकी महल करके इसका नाम दिया गया है। और भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ और साथ साथ इसका भी निर्माण हुआ है रातों रात। तो आप देख सकते हैं काफ़ी पुराने ज़माने का मंदिर इसे बनाया गया है, मतलब कि इसकी जो आकृति वगैरह की बात करें तो। बाकी इसकी जानकारी की बात करें तो आप इस बोर्ड को पढ़ के इसकी पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है छरकी महल की जो विस्तार में जानकारी है ना, ये कुछ इस तरीके से है। बाकी इधर का जंगल का बात करें तो ये है पूरा सतपुड़ा का जंगल है और मंदिर की कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जो कि छरकी महल है। और अंदर की ओर लेके चलता हूँ आप लोगों को, और यहाँ के जो एक बाबा हैं जो कि बहुत काफ़ी सालों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और एंट्री गेट की बात करें तो काफ़ी कुछ इस तरीके से पत्थरों से बनाया गया है। आप देखेंगे तो रियल पत्थर का स्टैचू यहाँ पर बनाया गया, आप देख सकते हैं पूरा पत्थर का ही बनाया गया है, जो आप देख सकते हैं आज के ज़माने में ऐसी मतलब कहीं भी नहीं बनाया जा सकता। बाबा बहुत साल हो गए यदि छोड़ दे रहा हूँ, यदि इलाज मोर तेला लेजे ले आ रहा है तेज बैठी हूँ और अभी और आई लेजे बस नहीं देखा नहीं देखा। हाँ यह मतलब बहुत पहले लाओ आप मन। हाँ छोड़ दे रहा हूँ छोड़ दे रहा हूँ। ये लगातार साल हो तो ये महल ला ये नहीं जान सका दादा। हाँ नहीं जान सका हम आप मान रहा था कतिक साल हो गए यहाँ तक बहुत साल हो गए कहते भाई हम नहीं जाना ये भरमदेव बनी थी तब के तो कहाँ जान वो मड़वा महल और ये छिरकिन महल और भरमदेव एक साथ बनी थे और फिर वह सांसपुर चला एक के सिंह रखे हैं। यह मतलब बकरी बकरी गंद आते हाँ, मतलब छरकी महल ना। हाँ, हाँ, कहा थे दादा हम नहीं जाना बात ले सुने हो भाई। हाँ बता लो जो बात है। मंझनिया मंझनिया छेरिये चढ़ाए और रात में एला बनाए गए थे ऐसे। हाँ मंदिर यही मंदिर तो नाम धराई थे छरकी महल।